क्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सीनियर सिटीजन्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो अबाउट 20 to 30 ईयर्स का उनका रिक्वायरमेंट है। उस तरह का कॉर्पस बनाना है कि एटलीस्ट 20-30 ईयर्स तक उनका खर्च चल जाए। तो देखिए, एक तो होता है घर खर्च, उसका पैसा उन्हें अलग रखना होगा। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान उन्हें हमेशा रखना चाहिए। नंबर वन है उनका मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि इस एज में मेडिकल एक्सपेंसेस का रिक्वायरमेंट आता है और कई बार काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर आपके पास सफिशियंट हेल्थ इंश्योरेंस है तब तो काफ़ी अच्छा है, और अगर नहीं है तो आपको अलग से इसके लिए भी प्रोविजनिंग करना पड़ेगा और एक अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ भी अलग से रखना होगा। नंबर सेकंड, जो भी आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है 20-30 ईयर्स का, वहाँ पे आप इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अभी जो खर्चे आप कर रहे हैं जिससे आपका घर खर्च चल रहा है, एक अमाउंट से सपोज़ आप 50,000 में अपना घर खर्च चला रहे हैं, लेकिन 5 या 10 ईयर्स के बाद इस 50,000 में शायद घर खर्च नहीं चले, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो जो भी कॉर्पस आपके पास है या फिर आप बना रहे हैं, वहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखें। सो नाउ, सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं। तो देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ की अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स को। तो देखिए, बेस्ट तो होता है गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ पे आपको रिलेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कई स्कीम्स हैं, साथ ही FDs हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, वहाँ भी मोस्टली जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिलता है। तो उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप वॉच कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और FD के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सुटेबल होंगे। अगर आप भी खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, और साथ ही आपके पास इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अवेलेबल हो, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हम अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड को इन 5 डिफरेंट टाइम होराइजन्स में डिवाइड करें। नंबर 1, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। नंबर 2, शॉर्ट टर्म। नंबर 3, मीडियम टर्म। नंबर 4, लॉन्ग टर्म। और नंबर 5, वेरी लॉन्ग टर्म। यहाँ पे ऑफकोर्स ये जो टाइम पीरियड्स मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे 1 ईयर से भी कम का, और शॉर्ट टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे 1 year to 3 years का। मीडियम टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे 3 years से 5 years, और लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे 5 years plus का, और वेरी लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे अबाउट 7 to 8 years का। सो नाउ अब हम जान लेते हैं कि इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन्स में सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स सबसे ज़्यादा सुटेबल हो सकते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट होराइजन है हमारा वेरी शॉर्ट टर्म, जिसमें कि हम 1 साल से भी कम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस इसे भी हम 2 different टाइम होराइजन्स में बांट सकते हैं, अप टू 6 months एंड 6 months to 12 months। तो यहाँ पे अप टू 6 months के लिए लिक्विड फंड सुटेबल हो सकता है। करेंटली जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वहाँ पे लिक्विड फंड्स में रफली अबाउट 4-5 to 6%, रफली 5 to 6% का रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जिन भी रिटर्न्स के बारे में मैं बात करूँगा, डेट या फिर इक्विटी या फिर हाइब्रिड फंड, वो सभी कुछ मार्केट लिंक्ड है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा या फिर स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करेगा, कुछ भी गारंटीड नहीं है। लिक्विड फंड्स आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट का एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि करंटली इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो जो सेविंग्स बैंक में आपको बड़े बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न्स लिक्विड फंड्स में मिल सकता है। सेकेंड जो होगा वो होगा 6 months to 12 months का, वहाँ पे हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ रफली अबाउट 6-7% का करंट इंटरेस्ट रेट, अगर आप सिनेरियो देखें तो अबाउट 6-7% के आसपास का रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 होगा शॉर्ट टर्म पीरियड। तो शॉर्ट टर्म पीरियड हमारा है 1 year to 3 years। यहाँ पे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगा या फिर सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में, वो होगा शॉर्ट टर्म डेट फंड। तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में रफली जो करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, वहाँ पे आप अबाउट 7-8% का रिटर्न एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जब भी डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा ध्यान में रखें कि डेट म्यूचुअल फंड्स में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है। अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा बहुत तो मैं आगे आपको ऑप्शंस बताऊंगा, वहां ले सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड ये सफिशियंट है। यहां पर आप ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, यहां से कुछ समय बाद इंटरेस्ट रेट कुछ कम भी होगा, तो उस समय कुछ डेट प्रोडक्ट्स होंगे जहां के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे लाइक गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। तो आप ध्यान में रखें कि वहां पर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। इन अ वे सीनियर सिटीजन्स को अगर इन प्रोडक्ट्स का आइडिया नहीं है या फिर वो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो गिल्ट म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, वो रिस्की होगा। नंबर थर्ड, मीडियम टर्म, दैट इज 3 years to 5 years। यहाँ भी आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इवन इस होराइजन के लिए। यहाँ भी आपको जो करेंटली 7-8% का रिटर्न मिल रहा है वो अच्छा रिटर्न है इस होराइजन के लिए। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा रिस्क लेना चाहता है, दैट इज़ थोड़ा बहुत इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहता है, तो वहाँ पर वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को इस होराइजन के लिए कंसिडर कर सकता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में 10-25% टोटल कॉर्पस का जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल एसेट है उसका 10-25% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में होता है। बट यहाँ भी इक्विटी है तो थोड़ा रिस्क है, तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तभी आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को 3-5 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन का जो पीरियड है उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, यहाँ पे हमने 5 years+ का पीरियड रखा है। तो यहाँ पे अगेन अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए अगेन शॉर्ट टर्म डेट फंड भी यहाँ पे रखा जा सकता है और साथ ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स यहाँ भी रखा जा सकता है इस होराइजन के लिए भी। लेकिन अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है और इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, याद रखें इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो अगर उस तरह का कोई इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 years से ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 options उनके पास अवेलेबल हैं। नंबर 1 होगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, नंबर 2 होगा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और नंबर 3 होगा लार्ज कैप के प्योर इक्विटी इंडेक्स फंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा 65-80% का और डेट में एक्सपोजर काफ़ी कम होगा 20-35%। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है बट हाँ लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, वहाँ पे बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि इक्विटी और डेट का एलोकेशन कितना होगा। तो इक्विटी का एलोकेशन वो 0-100% रख सकते हैं और डेट का एलोकेशन भी वो 0-100% रख सकते हैं। बट हाँ यहाँ भी मोस्टली फंड मैनेजर्स इक्विटी में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। और थर्ड होगा इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑल 3 options जो हमने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी कंसिडर करें, नहीं तो सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5th, वेरी लॉन्ग टर्म। तो वेरी लॉन्ग टर्म का हमने इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा है 7-8 years के आसपास। सीनियर सिटीजन्स का है तो यहाँ पे हमने 10+ या फिर 20-30 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं रखा है, बट 7-8 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा है। तो यहाँ पे वैसे इन्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, तो उनके लिए वैसे फ्लेक्सी कैप फंड सुटेबल हो सकते हैं जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, वैसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। वैसे इन्वेस्टर्स जो कि इक्विटी में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हैं इवन दिस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए भी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स उनके लिए सुटेबल होंगे। थोड़ा बहुत इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए तो इस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड उनके लिए अच्छा होगा। और बाकी के जो स्कीम्स हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ज़्यादा जो रिस्क लेना चाहते हैं इन्वेस्टर्स उनके लिए सुटेबल होगा, तो वो भी यहाँ पे आप इस इन्वेस्टमेंट होराइजन में भी रख सकते हैं। लाइक जो हमने डिस्कस किया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर लार्ज कैप के इंडेक्स फंड और ऑफ कोर्स फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी कम हो।
यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें, सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, इस तरह के फंड्स को आइडियली सीनियर सिटीजन्स को अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स हैं। तो ये थे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अगर आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी तरह के वैसे हाइब्रिड फंड जहाँ की इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या फिर प्योर इक्विटी फंड, तो वहाँ पे अपना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करें ताकि पता चल सके कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। विदाउट रिस्क प्रोफाइलिंग आप बिल्कुल भी किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर अभी तक आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया तो आप हमारे वेबसाइट phronesisinvestor.com पे फ्री में रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जिन भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जाना है, अगर एज अ इन्वेस्टर आपको म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है तब तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इन दैट केस अच्छा यही होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में जानकारी लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम, किस कैटेगरी का स्कीम आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।